गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सचिन राणा, पी जी टी मैथमेटिक्स, एंड दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय एमडीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलाय। तो आज हम ट्वेल्थ क्लास में जो एक्सरसाइज 1.1 है, इसका सिक्स्थ क्वेश्चन है, जो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसको हम स्टार्ट करेंगे। पांच क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ए दे रखा है आपको ए बी सी, और डिटरमाइन करना आपको वेदर दिस रिलेशन ए ए ए बी ए सी बी 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 सी सी ए सी बी एंड सी सी, वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये है या नहीं, ये आपको पता करना है कि इन तीनों में से ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने आपको बताया था, जब भी रिफ्लेक्सिव चेक करना हो, सबसे पहले आपको इस सेट की तरफ देखना है, ए की तरफ। ए में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का खुद से रिलेशन होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर ए क्या है, ए दे रखा है हमें ए बी सी, ठीक है। तो हमने क्या किया, कोई भी एक एलिमेंट आप मान सकते हैं ए। तो अगर ए मैं मान लूँ और उसका ए से ही रिलेशन मैं चेक करूँ, ए मैंने एक एलिमेंट मान लिया, उसका खुद से रिलेशन चेक करूं, वो इसमें से होना चाहिए। तो ए कोमा ए बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, ठीक है। अब बी के लिए चेक करूंगा, हर एक एलिमेंट के लिए चेक करना, याद रखना, रिफ्लेक्सिव में आपको हर एक एलिमेंट चेक करना पड़ेगा। तो ए का ए से रिलेशन बिल्कुल सही, बी का बी से रिलेशन, बी बी ये भी है यहाँ पर बिलोंग कर रहा है आर से, और सी कोमा सी ये भी बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, देखिए सी कोमा सी भी। तो हर एक एलिमेंट का रिलेशन खुद से हो गया, तो हम लिख सकते हैं सो रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। जो रिलेशन होगा ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि ए का ए से रिलेशन है, बी का बी से है, और सी का सी से है, बाकी सभी भी हैं, लेकिन ये तो होने ही चाहिए और वो दे रखे हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट था इसका, हमने प्रूव कर दिया कि रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव, ठीक। अब बात करते हैं दूसरा, दैट इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए देखिए क्या देखेंगे हम, नेक्स्ट है फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या करना हमें, ध्यान दें, रिफ्लेक्सिव के लिए आपको ए की तरफ देखना था, इसके हर एक एलिमेंट का रिलेशन खुद से चेक करना था, लेकिन सिमेट्रिक के लिए हम किसको देखेंगे, आर को। अब आर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, पहले मैं एक बार आर को लिख लेता हूँ। आर जो है हमारे पास वो क्या क्या है, एक तो है ए ए ए बी ए सी बी 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 सी सी ए सी बी सी सी। अब देखिए हर एक एलिमेंट को हम चेक करेंगे। अब उसमें से ध्यान दें, हमारे पास एक तो है ए ए, एक है बी बी, एक है सी सी, ठीक है। तो हमें इनको चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दीज आर डबलेट्स, क्या है ये डबलेट्स हैं। डबलेट्स का मतलब होता है एक एक का पेयर, सेम, ठीक है, वन का वन से ए का ए से बी का बी से सी का सी से। तो डबलेट्स को चेक करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो सिमेट्रिक भी होते हैं, ट्रांजिटिव भी होते हैं। तो देखो ये तीन तो चेक करने की जरूरत नहीं है। अब हम ए बी को चेक करेंगे, तो देखिए ध्यान से, तो हेयर ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। तो पहले जब हम चेक करेंगे किसी भी एलिमेंट को, तो सिंपल सी बात है, यहाँ एलिमेंट जो रिलेशन में होंगे वो पेयर में होंगे, तो आपके पास ए भी है और बी भी है। तो सबसे पहले मेक श्योर दैट दीज टू शुड बी फ्रॉम दिस सेट ए, ये जो ए और बी है ये इस ए से होने चाहिए। तो हमने सबसे पहले रिप्रेजेंट कर दिया ए बी बिलोंग्स टू। नाउ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, देखिए ए का बी से रिलेशन है, तो B का भी किससे रिलेशन होना चाहिए, A का से होना चाहिए, तभी तो सिमेट्रिक बनेगा। तो A का B से तो है रिलेशन, बट
बी कोमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर, लेकिन बी ए का रिलेशन आर से नहीं है, मतलब बी का रिलेशन ए से नहीं है, बी कोमा ए है जो वो आर से बिलोंग नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं बी ए इसमें है ही नहीं, तो लिख सकते हैं सो रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक, इसका मतलब जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव ये था, सिमेट्रिक ये नहीं है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ट्रांजिटिव, अब हम चेक करेंगे कि ट्रांजिटिव है या नहीं, उसके लिए हम चेक करने वाले हैं अब ट्रांजिटिव। तो दो हमने चेक कर लिए हैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, अब बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। तो फॉर ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए देखिए रिलेशन में एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, आर है जो क्या है हमारे पास ए ए ए बी ए सी बी 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 सी सी ए सी बी सी सी। देखिए आपको जो डुप्लेट्स हैं उनको चेक करने की जरूरत नहीं है, वी हैव ए ए बी बी सी सी, इनको चेक करने की जरूरत नहीं, बिकॉज दे विल सेटिस्फाई बोथ कंडीशन ऑफ सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी। अब देखिए आपको ट्रांजिटिव में तीन एलिमेंट चाहिए, तो ए का बी से रिलेशन है, ठीक है, बी का रिलेशन यहाँ पर सी से है और ए का सी से है। देखो ये तीनों चीज़ें तो सेटिस्फाई हो रही हैं, आपने क्या किया ए का बी से लिया, पहले लिया ए का रिलेशन बी से, अब फिर आप बी का ढूंढ रहे हो, बी का किससे है, बी का जी सी से आ गया, अब ए का बी से है बी का सी से है, तो इसका मतलब ए का बी से होना चाहिए, सॉरी ए का सी से होना चाहिए, तो ए का सी 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 से भी है, इसका मतलब ये चीज तो हमें सेटिस्फाई करवा दे। ठीक है, और देखते हैं, अब चेक करें ए का रिलेशन सी से है, सी का रिलेशन बी से है और ए का बी से नहीं, तो आपको क्या करना, आपको वो पेयर ढूंढना है जो इसको सेटिस्फाई नहीं करवा रहा, क्योंकि एक भी अगर ऐसा पेयर मिल गया इसका मतलब वो फंक्शन ट्रांजिटिव होगा नहीं। तो आप क्या लेंगे, एक तो लेंगे ए सी और दूसरा लेंगे इसके साथ सी बी। तो सबसे पहले देखिए लेट ए बी सी बिलोंग्स टू ए, हमने क्या ले लिए, तीन एलिमेंट ले लिए जो कि ए से बिलोंग कर रहे हैं ए बी सी। अब देखो ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, भाई ए का सी से रिलेशन है, ठीक है, ए का सी से रिलेशन हो गया, अब सी का रिलेशन यहाँ पर किससे है, बी से है, तो सी कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ये भी हो गया हमारे दो के दो सही हो गए, ए का सी से है सी का बी से है। अब ट्रांजिटिविटी के अकॉर्डिंग ए का जब सी से है सी का बी से है, इसका मतलब ए का बी से होना चाहिए, लेकिन ए सॉरी ए का बी से होना चाहिए, तो ए का बी से है रिलेशन, ये राकेश का बी से भी है, तो ये भी क्या कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है ट्रांजिटिविटी को। ठीक है, और ढूंढिए जरा क्या कोई और मिल सकता है आपको, सी का ए से ए का बी से सी का बी सी ये भी, ठीक है, चेक करो जरा। ठीक है, तो यहां से भी क्या हुआ, ये ट्रांजिटिव पता चल रहा है। ठीक है, अब और देखिए, मैं पहले बता रहा हूं बेटा आपको वो चीज चेक करनी है जो नहीं हो रही, होने वाली बहुत सारी मिलेंगी, ये नहीं है कि आप ए को ए से ये चीज बताने लग जाएंगे, आपको वो देखना है जो ये कह रही है कि नहीं है। अभी तो मैंने जैसे बताया कि ए का सी से चेक किया सी का बी से, तो ए का बी से होना चाहिए, ए का बी से तो ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये चीज तो हमें यही बता रही है कि ये रिलेशन है जो क्या है, ट्रांजिटिव है। अब चेक करते हैं, अब देखिए यहां पर देखो इन दोनों एलिमेंट्स को जरा फोकस कीजिए, हमारे पास तीन एलिमेंट हैं ए बी सी, यहां पर वो ए बी सी आ गए। ठीक है, तो ये चीज तो आप पहले वाली सेम लिखेंगे। अब यहां देखिए बी कोमा सी बिलोंग कर रहे हैं किससे, आर से, इसका मतलब बी का किससे रिलेशन है, सी से है। अब सी का ए से है,
सी कोमा ए बिलोंग कर रहा है किससे, आर से। सी का भी किससे है, ए से है। अब बी का सी से रिलेशन है, सी का ए से हो गया, तो बी का ए से होना चाहिए। अब यहाँ पर कहीं पे भी बी कोमा ए नहीं लिखा होगा, तो हम लिखेंगे बी बट बी कोमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है। और इसमें आपको एक हिंट मिल सकती है कि ये आया कहाँ से, तो ध्यान दें हमने जो इससे पहले सिमिट्री वाला किया था ए बी लिया था लेकिन बी ए नहीं था, तो माइंड में पहले ही होना चाहिए कि जी बी ए है, ये तो है ही नहीं। तो जब है नहीं ये चीज, तो आप अपने आप कोशिश करो ऐसा मतलब पेयर कुछ ऐसा ले कि जो तीसरे वाली चीज है वो बी ए बने। वो किससे बनेगी, बी सी से और सी ए से। तो बी का सी से रिलेशन है, सी का ए से है, तो बी का ए से होना चाहिए था, बी का ए से है ही, तो हम लिख सकते हैं सो रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। जो ट्रांजिटिव है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि शो करो ट्रांजिटिव है या नहीं, देखो अगर है ट्रांजिटिव फिर तो आप जितना भी बता लो, जब है ही तो उसमें तीनों चीजें सेटिस्फाई करेगी। लेकिन अगर वो नहीं है तो आपको क्या करना है, वही चीज ढूंढ रही है जो बता रही है कि वो नहीं है। तो हमने ये ढूंढ लिया बी का सी से, सी का ए से, तो इसका मतलब बी का ए से भी होना चाहिए, बी का ए से कहीं है ही नहीं, ठीक है। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। सेवंथ में क्या है, शो कीजिए कि जो रिलेशन है ग्रेटर देन ऑन द सेट एन। अब आपको जो सेट दे रखा है वो एन दे रखा है, एन का मतलब है कि अब आपके जो ऑल पॉसिबल रिलेशंस होंगे, ऑल पॉसिबल रिलेशंस होंगे वो होंगे एन क्रॉस एन। इसमें आपको कोई सेट नहीं दे रखा, आपको एक क्लियर बोल दिया कि कोई नेचुरल नंबर्स का सेट है सारा, पर्टिकुलरली बोल रखा आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो n क्रॉस n है ये आपके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन बन गए। अब इसमें जो रिलेशन है वो रिलेशन है ग्रेटर देन का, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी जरा एक फॉर्म बना लेते हैं। देखो तो रोस्टर फॉर्म मिल जाए तो बहुत बढ़िया, वरना सेट बिल्डर फॉर्म। तो ध्यान दें जो रिलेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि a कोमा b such that a is greater than b and a and b both belong to n, ये आपका रिलेशन है, ठीक है। तो बारी बारी से चेक करेंगे हम। सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए ध्यान दें आपको क्या करना है, कोई एक एलिमेंट लेना है और उस एलिमेंट का रिलेशन खुद से ही होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले लेट ए बिलोंग्स टू एन, ए मान लो एन से बिलोंग कर रहा है। अब ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज, भाई अगर ए कोमा ए आर से बिलोंग करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अकॉर्डिंग देखिए तो ए इज ग्रेटर देन ए Which is false, अगर ये रिलेशन है a कॉमा a, इसका मतलब तो a a से बड़ा होना चाहिए, पर कोई चीज खुद से बड़ी थोड़ी हो सकती है। Which is false, that implies a कॉमा a does not belong to R, इसका मतलब a कॉमा a का रिलेशन R से नहीं है। तो हम लिख सकते हैं so relation R is not reflexive, इसका मतलब रिलेशन है जो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये चीज तो हमारी हो गई कि ये रिलेशन neither reflexive nor symmetric, reflexive है नहीं, ठीक है। अब चेक करेंगे सिमिट्री, तो सिमिट्री के लिए क्या करेंगे, देखिए सिमिट्री सिमिट्री के लिए हमें क्या करना है, दो एलिमेंट लेने हैं कोई भी। तो मान लेते हैं लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू एन, ए और बी दो नेचुरल नंबर है। नाउ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज, मान लो ए का बी से रिलेशन है,
तो ए का बी से अगर रिलेशन, इसका मतलब ए क्या हो गया ग्रेटर देन बी हो गया, और ए का बी से रिलेशन, इसका मतलब ए ग्रेटर देन बी आ गया। अब जब ए ग्रेटर देन बी है तो बेटा ध्यान दें, इसका मतलब बी इज नॉट ग्रेटर देन ए। जब ए बड़ा है बी से तो बी थोड़ी बड़ा हो सकता है इससे, तो जब बी ए से बड़ा ही नहीं है इसका मतलब दैट इम्प्लाइज बी कोमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर, बिलोंग तो तब करता ना जब बी बड़ा होता है इससे। अब जब ए बड़ा है बी से तो बी तो छोटा होगा, तो बी बड़ा होगा ही नहीं, तो बी जब ग्रेटर देन नहीं है ए के, इट मीन्स बी कोमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर। तो जब ए का बी से रिलेशन है लेकिन बी का ए से रिलेशन नहीं है, तो हम लिख सकते हैं सो रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो जी दूसरी चीज भी हमारी प्रूव हो गई कि ये सिमेट्रिक नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है। अब चेक करेंगे ट्रांजिटिविटी के लिए, प्रूव करना है कि ये ट्रांजिटिव है, तो प्रूव करना है इसका मतलब, तो देखो ट्रांजिटिव तो ये है, हमें शो करना है कि कैसे। तो फॉर ट्रांजिटिव, तो मतलब हम चेक करेंगे इसकी ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी के लिए मैंने बताया था आपको, तीन आपको एलिमेंट लेने पड़ेंगे, तो दैट ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग टू एन। तीन एलिमेंट ले लिया आपने ए बी सी, और तीनों बिलोंग कर रहे हैं एन से। नाउ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए ग्रेटर देन बी, तो ए का अगर बी से रिलेशन है इसका मतलब क्या है, ए बड़ा है बी से, और बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ग्रेटर देन सी, इसका मतलब बी बड़ा है किससे, सी से। अब एल्जेब्रिकली देखिए, अगर ए बड़ा है बी से और बी सी से बड़ा है, तो सिंपल सी बात है बेटा, ए तो सी से अपने आप ही बड़ा हो गया, तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी गेट ए इज ग्रेटर देन सी, ए ग्रेटर देन है किससे, सी से। दैट इंप्लाइज अगर ए ग्रेटर देन हुआ सी से, दैट इंप्लाइज ए कोमा सी इज ऑल्सो बिलोंग टू आर, मतलब ए का सी से भी रिलेशन है। तो ए का बी से भी था, बी का सी से था, फिर ए का सी से भी आ गया, तो हम लिख सकते हैं सो रिलेशन आर इज ट्रांजिट। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा सेकंड पार्ट, उसमें कुछ नहीं है, लेस देन है, बिल्कुल सेम चलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।